अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म कमाई के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही है, जहां फिल्म ने अपने 4 दिनों में 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं अब लीजिए फिल्म के 5वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो हाउसफुल 4 ने 5वें दिन 24 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 111 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई कर डाली है। साथ ही इस फिल्म ने 5वें दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म न सिर्फ मुंबई में शानदार कमाई कर रही है, बल्कि यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसे जगहों पर भी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म में अक्षय और कृति के अलावा बॉबी देओल, प्रीतेश देशमुख, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा भी लीड रोल्स में हैं। भले ही इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिल्म की कमाई ने ये साबित कर दिखाया कि खिलाड़ी कुमार के स्टारडम के आगे अच्छे अच्छे एक्टर्स फीके पड़ गए हैं। आपको बता दें कि हाउसफुल 4 के चलते राजकुमार राव की मेड इन चाइना और तापसी भूमि किसान की आंख का बॉक्स ऑफिस पर बुरा ही हाल देखने को मिल रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि ये दिवाली अक्षय के लिए एकदम लकी साबित हुई है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार होने के बावजूद भी अक्षय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर हर किसी को हैरान भी कर रही है। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने पिछले साल तीनों खान की फिल्मों को बेहद ही खराब रिव्यूज दिए थे, वहीं इस बार अक्षय की फिल्म को भी क्रिटिक्स की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। लेकिन खराब रिव्यूज के बाद जहां खान की फिल्मों की कमाई फुस्क हो गई थी, वहीं हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर खान की भी बोलती बंद कर दी है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि हाउसफुल 4 आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा धमाका करेगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। It hurts you, I'm sorry. No, it's okay. But I have to say that जितना नजाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में भी नजाकत भी नहीं है। Like मुझे I'll have to come to take classes from बांगडू महाराज। अच्छा एक आखिरी सवाल आप तीनों महारानियों से हैं। You know कि अगर हाउसफुल जब आई थी and now हाउसफुल फोर So, आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? लाइक यार तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडवाला सर हु इज़ लॉन्च्ड मी। आई थिंक
this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. Pooja ji? Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं Houseful करने वाली हूँ because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2 और 3 Houseful देखा ये बहुत ही अलग है. Even simple things जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही like we are warrior princesses, you know. तो हम action कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, and I think it's something that's so unique that I got to play past life and present life in one film. So it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला poster आया था, for me it was a moment of pride. मैंने mom को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama bhi kar liya, Houseful bhi kar li, 2-in-1 ho gaya hamara to. Akshay ji, ek aapke theek saamne. Inki list ek. Ek aakhri sawal mera aapse, you know, aapne kai baar bataya hai ki jisse aapne acting seekhi hai, jo aapke guru hain, wo hai Mr. Amitabh Bachchan ji. Haal hi mein unhe jo hai Dada Saheb Phalke Award ke liye unka naam aaya hai. To agar aap apne kuch beautiful alfaz unke liye kuch agar aap keh sake, Ritesh ji aapse bhi, Bobby ji please. Main unko phone karke keh dunga hamare liye video bite. Video bite kar lunga beta, kar lunga main. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की comedy genre थोड़ा आजकल कम आ रही है और comedy फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक unique concept लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना difficult रहता है as an actor के लिए, दो अलग अलग role करना और makers के लिए इस तरह की फिल्म justify करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि audience को पसंद आए, because the trailer was mind blowing. Yeah, सबसे पहले शुक्रिया कि आपको trailer अच्छा लगा. दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नडियाड वाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना, वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी, उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर खत्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी खत्म कर दी इसको. आपका माइक बंद है. ओके, जस्ट वन थिंग, आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया आल्सो, जस्ट अ फ्यू क्वेश्चन टू देम एंड विल बी कमिंग बैक टू अस. And Manish, हाँ जी सर, आफ्टर दिस इनके साथ फिर आई वुड लाइक, आई वुड रिक्वेस्ट हमें से दैट 2-3 क्वेश्चंस टू फॉर द पीपल बिहाइंड, इफ दे कैन, दे वांट टू आस्क आल्सो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी, दे विल बी मोर देन हैप्पी. साजिद सर, दिस साइड. सो इन द लास्ट 3-4 मंथ्स यू हैव डिलीवर्ड 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, छिछोरे एंड सुपर 30, एंड नाउ दिस लुक्स अनदर ब्लॉकबस्टर. सो हाउ डू यू डू दिस एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फिल्म? ये सेम व्हाट अक्षय सेड, इट्स ऑल लक, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट माइंड. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % ऑफ लक, मेरे लिए एटलीस्ट. अक्षय जी हियर, इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि नहीं, पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो, लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या.
इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें, ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है, इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन चार और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क